ड्रीमफॉक्स सर्विसेज इंटरेस्टिंग कंपनी, कल हमारी बात भी है मैनेजमेंट से, बताएं इस पर आपकी राय। अगर कंपनी इंटरेस्टिंग है तो मेरी राय उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा। और मुझे याद नहीं आता दीप, पिछली बार कब मैंने ये वाली राय किसी आईपीओ के लिए दी थी। इस आईपीओ में आप पैसे लगाए सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए। सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हाँ, लिए। तो ये आईपीओ ऐसा है जहाँ लिस्टिंग गेंस के लिए पैसे लगाने जी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम लिस्टिंग के बाद देखेंगे। हाँ। तो ये प्योरली अब से लेकर लिस्टिंग तक के लिए फिलहाल ये राय है। उसके बाद आगे के प्लान्स जब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ जब समझ में आएगी तब लॉन्ग टर्म का सोचेंगे। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म की वजह से हम पैसा लगाने की राय दे रहे हैं जो अरुण जी, आमतौर कभी पर आपको आपने ये नहीं राय दिखती दी है, जी, कभी सिर्फ लिस्टिंग गेन की तो सिर्फ राय नहीं लिस्टिंग दी। गेंस के लिए। हाँ उसका रीज़न बताता हूँ। जी। पहली चीज, कंपनी में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत बढ़िया है। यूनिक बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली बिजनेस मॉडल है। यूनिक बिजनेस मॉडल मतलब जो एयरपोर्ट पर आप लाउंजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं वहाँ जो सर्विसेज होती हैं, आप लाउंज में एंट्री करते हैं और जो अंदर जाते हैं, लाउंजेस जो है वो एयरपोर्ट्स की या किसी और की होती है, लेकिन वहाँ आपको एंट्री करने कराने के लिए और उसका पूरा डेटा मेंटेन करने का काम ये कंपनी करती है। और इसके बदले में ये एक फीस चार्ज करती है उन बैंक्स के जिनके कार्ड्स का, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स का आप इस्तेमाल करते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। यूनिक इस लेवल तक का यूनिक है कि ये अपने तरह के बिजनेस की न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की पहली कंपनी है जो ऐसा लिस्ट होने जा रही है, इस ये कारोबार करने वाली है। और हिंदुस्तान में इनका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, यानी कि मोनोपोली बिजनेस है। लाउंजेस का 95% बिजनेस इन्हीं के पास में है। ये पहली चीज़ है जो इनको एकदम यूनिक बनाती है और बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ जो इनके मैनेजमेंट है बहुत प्रोफेशनल है। लिब्रता जी से कल हमने बात की, उनको बिजनेस की समझ है, ये फील्ड में काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया टॉप क्लास मैनेजमेंट है। और एक और अच्छी बात, कंपनी पर और प्रमोटर्स पर किसी तरह के कोई लीगल केसेस और किसी तरह के डिस्प्यूट्स नहीं है। क्वालिटी मैनेजमेंट है, गवर्नेंस अच्छी है, ये जी। कहना होगा। तीसरी चीज़ जो है एसेट लाइट मॉडल है। इनको कोई अपने लाउंजेस खरीदने नहीं होते, न इनको कोई मतलब लंबे चौड़े वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने हैं। छोटी मोटी जो एक दो मशीनें वशीनें लगानी होती है डेटा मेंटेन करने के लिए, कंप्यूटर वगैरह का खर्चा है तो, और इस लिहाज से अगर नेट लेवल पर देखें तो कंपनी डेट फ्री है। डेट फ्री है। तो कंपनी डेट ले भी किस चीज़ के लिए, मैन पावर भी कर्मचारियों की तो। सैलरी हाँ लेने के लिए तो डेट लेंगे नहीं। सो एग्जैक्टली। बेसिकली आपको एसेट्स में पैसा डालना भी नहीं है, तो एसेट लाइट मॉडल है, नेट फ्री। और एसेट लाइट मॉडल आजकल ना बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हुए हैं, बड़े इन्वेस्टर्स को बड़ा पसंद आता है, भाई जाने की रिस्क कम हो जाती है, खोने को क्या है अगर एसेट्स हैं नहीं तो। ये एक चीज़ है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, वो आप उस बात से अंदाजा लगा सकते थे कि, सीरियसली बोलता हूँ, आजकल अब मैं कई बार एयरपोर्ट जाता हूँ लाउंज में जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि लाउंज में रहो बाहरों फर्क ज्यादा नहीं है, क्राउडेड मतलब लाउंज है। इतना हाँ क्राउडेड लाउंजेस होने लग एग्जैक्टली गए एग्जैक्टली। हैं। तो बिजनेस जो ग्रो हुआ है वो जबरदस्त वो कुछ नहीं है, आगे और ग्रो होगा। है। लाउंजेस की साइजेस बढ़ रही हैं, एयरपोर्ट्स रिनोवेट हो रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, तो धीमे धीमे बिजनेस बढ़ने वाला है, एयर पैसेंजर्स बढ़ने वाले ही बढ़ने जी वाले हैं। और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ये अब जाकर अपना और कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हिंदुस्तान में ही ज़्यादा है, बाहर से 1% रेवेन्यू आता है खाली, सारा हिंदुस्तान का है। सो आई थिंक उस हिसाब से ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हर हर आदमी ना, जैसे पहले ऐसा होता ना, पहले मुझे एयर ट्रेवल करना है, एक एस्पिरेशन होती थी मुझे प्लेन में बैठना है ना। अब वो कि मैं एयरपोर्ट जाकर लाउंज में बैठूंगा, है ना, वो एक्सपीरियंस लोग लेना नेक्स्ट चाहते लेवल हैं। का हाँ, वो। नेक्स्ट हाँ लेवल। तो वो लोगों में चाहत बढ़ रही, राइट। सो आई थिंक बिजनेस तो बहुत रहने वाला। तो ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी है इस कंपनी को लेकर, शानदार है। अब क्या वजह कि मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आपको बोल रहा हूँ, पहली चीज़ तो कि जो प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं वो 33% है, 1700 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है और जी उसमें आप 1/3 बेच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। ज़्यादा क्यों है वो भी बता दूँ। पहली चीज़, सारा का सारा पैसा कंपनी प्रमोटर्स के पास जा रहा है, कंपनी के पास कुछ नहीं जा रहा। जी आमतौर पर इस तरह की कंपनियां तब बेचती है स्टेक जब किसी प्राइवेट इक्विटी फंड को आपको एग्जिट देना हो। यहां पर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं बेच रहा, सिर्फ प्रमोटर बेच रहे हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। अब हो सकता है तीन प्रमोटर है, तीन में से एक दो तीनों को थोड़ा थोड़ा बेचना है, वो एक अलग बात है, लेकिन 1/3 डाइल्यूशन ठीक बहुत नहीं है, बड़ा है। बहुत ज्यादा है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव है, जी पहली चीज। दूसरा नेगेटिव है कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। मतलब अगर आप इस साल की अर्निंग पे देखेंगे तो 100 से ज्यादा के पी मल्टीपल पर है। यस 2020 कोविड के पहले का जो साल था वो अच्छा साल था, उसके मल्टीपल पर भी देखें तो 50% का पी मल्टीपल पर है। सो अभी तक दूसरी चीज है कि अभी तक पैंडेमिक के पहले के जो रेवेन्यू थे वो अभी तक नहीं आए। सो मेरा ये समझना था कि अगर प्रमोटर को इतना बड़ा डाइल्यूशन करना है, खुद ही का करना है, करेक्ट।
कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स नहीं है, तो कम से कम उन्हें पहले साइज बनानी चाहिए। तो ये थोड़ा आईपीओ लाने में जल्दबाजी करते हैं, इनको ढंग से एडवाइज नहीं किया किसी ने। ये अगर साल भर के आईपीओ लाते ना तो मजा आ जाता इनको, वैल्यूएशन भी बेहतर मिलता, ठीक है, और इन्हें इतना डाइल्यूट ही नहीं करना पड़ता, राइट, कम डाइल्यूशन में कम डाइल्यूशन में काम चल जाता। अगर जो हिसाब से वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं, एक साल और रुक जाते FY23 कर लेते हैं, पेंडेमिक से ऊपर के 25% की ग्रोथ दिखा दो आप और लेके आओ, लोगों को तकलीफ नहीं वैल्यूएशन देने में, है ना। अभी तक ये पेंडेमिक के पहले वाले वैल्यूएशन पे ही नहीं पहुंचे, पहले वाले रेवेन्यू पे ही नहीं पहुंचे, तो मैं किस बात का इतना पैसा दूं। करेक्ट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मार्केट का इंटरेस्ट है, नए जमाने का स्टॉक है, अपनी तरफ का यूनिक बिजनेस मॉडल है, प्रमोटर्स क्लीन है, तो आईपीओ तो भरेगा, बनेगा, इंटरेस्ट तो आएगा लोगों को। फिर जब आएगा तो आप भी बहती गंगा में डुबकी लगा लो, लो मिल जाए तो आपका नसीब, भरेगा तो काफी, आपका नसीब बन जाए तो लिस्टिंग पे पैसा लेके बना लेना, निकल जाना, और लिस्टिंग के बाद अगर रखना है तो स्टॉप लॉस लगाकर जो अपना फॉर्मूला है मैं लिस्टिंग के दिन आपको बता दूंगा। तो बहुत सारे लोग जो कई बार लिस्टिंग पे पैसा लगाने के लिहाज से आईपीओ का इंतजार करते हैं, ये वही है उनके लिए ये। तो लिस्टिंग पे के लिहाज से आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करिए, फिर देखते हैं, तब पता चला कि लिस्टिंग अनाप शनाप